मार्वल के ऐसे 7 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन जो कैंग द कॉन्करर के बाद एमसीयू की मूवी में आने वाले हैं, जिनके सामने थैनोस एंड कैंग द कॉन्करर भी फीके पड़ेंगे। एमसीयू ने अपने फेज 6 तक के लिए कैंग द कॉन्करर को मल्टीवर्सल विलन के तौर पर रखा है, लेकिन कैंग के बाद क्या? कैंग के बाद कौन है ऐसा जो मार्वल का विलन बनेगा? आज मार्वल के 7 ऐसे विलन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो मार्वल के आने वाले मोस्ट पावरफुल विलन्स हैं और जो कैंग द कॉन्करर के बाद एमसीयू के विलन के सिंहासन पर बैठेंगे। और ये पूरा सीरीज 7 पार्ट में आएगा, जिसका पहला पार्ट ये है मार्वल के आने वाले मोस्ट पावरफुल विलन नंबर 1 मेकर्स। सो कैसे हो कॉमिक के दीवानों, मैं हूं आपका दोस्त कॉमिक वाला बडी और मैं ऐसे ही कॉमिक के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो कौन है मेगस? मेगस मार्वल कॉमिक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। मेगस बेसिकली फ्यूचर वर्जन है एडम वॉरलॉक का, और एडम वॉरलॉक को तो आप सभी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। और एडम वॉरलॉक का ये फ्यूचर इविल वर्जन मेगस को क्रिएट किया था इन बिटवीनर ने। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होगा, ये इन बिटवीनर कौन है? तो गाइज यहाँ पे 3 लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इन बिटवीनर, और इसके अलावा मार्वल के 2 कॉस्मिक बींग्स, पहला मास्टर ऑर्डर और दूसरे लॉर्ड केओस के बारे में जानना जरूरी है। मास्टर ऑर्डर एंड लॉर्ड केओस एक ऐसे कॉस्मिक बींग्स थे जिनका काम था मार्वल यूनिवर्स में कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखना। इन दोनों के नजर में कोई अच्छा भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और कोई बुरा भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इनके लिए यूनिवर्स में दोनों का बराबर होना जरूरी था, और इस काम को अच्छे से करने के लिए मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस ने इन बिटवीनर को बनाया। तो इस तरह से देखा जाए तो इन बिटवीनर मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस का असिस्टेंट, या उसे आप सर्वेंट भी कह सकते हो। मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस का ये असिस्टेंट यूनिवर्स में कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखता था गुड और बैड में, जिसके लिए मास्टर ऑर्डर लॉर्ड केओस इन बिटवीनर को वहां भेजते थे जहां यूनिवर्स में कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ने वाला होता था। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें एडम वॉरलॉक और मेगस कहां से आ गए? तो होता यूं है कि ऐसे ही एक दिन लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर ने यूनिवर्स में एक थ्रेट को सेंस किया जो था थैनोस, और थैनोस जो बैड को रिप्रेजेंट करता था, और उसकी वजह से कॉस्मिक यूनिवर्स में बैलेंस न बिगड़ जाए इसलिए थैनोस के अपोजिट एडम वॉरलॉक को खड़ा करना चाहा। और इसी कारण इन बिटवीनर ने एडम वॉरलॉक को स्पेस एंड टाइम से परे भेजा जहां लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर ने उसे एजुकेट किया। लेकिन इसी दौरान एडम वॉरलॉक मानसिक रूप से बीमार हो गया उस रेडिएशन की वजह से जो इन बिटवीनर ने उसे टाइम एंड स्पेस के परे भेजने में यूज किया था, उसकी वजह से एडम वॉरलॉक मेगस में बदल गया केओस एंड ऑर्डर के एफर्ट की वजह से, जिनको क्रिएट करना था चैंपियन ऑफ लाइफ को थैनोस के अपोजिट जो था चैंपियन ऑफ डेथ। और इसी दौरान पता नहीं कैसे एडम वॉरलॉक 5000 साल पहले पास्ट में चला गया एक प्लेनेट पे जहां मेगस ने एक संस्था का निर्माण किया यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ नाम से, जिसके साथ उसने यूनिवर्स में अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू किया। और वह यहीं तक नहीं रुका, मेगस अपने आप को गॉड मानने लगा था और उसका एक स्लोगन था या तो उसकी पूजा करो या तो मरो। और इस तरह द मेगस इविल फ्यूचर वर्जन ऑफ एडम वॉरलॉक का जन्म हुआ केओस एंड ऑर्डर के एफर्ट की वजह से। सो गाइस क्या लगता है अगर ये बंदा मार्वल का नेक्स्ट सुपर विलन बनता है? कमेंट करके बताओ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।